भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से ना आगे जाने का रास्ता दिख रहा है और ना ही पीछे। अब तक आपने देखा कि रजत के जाने के बाद काव्या लाइफ में कितनी अकेली हो गई थी, और फिर उसके सास ससुर काव्या की शादी मंजीत से करा देते हैं ताकि वो बीती बातों को भूल कर आगे बढ़ जाए, और होता भी यही है। काव्या जीवन में आगे बढ़ जाती है और मंजीत के साथ हंसी खुशी से रह रही होती है, वो प्रेग्नेंट भी होती है। उसी समय उसकी मुलाकात उसके पहले पति रजत से हो जाती है। अब आगे। रजत जी, आपने आने में बहुत देर कर दी। क्यों काव्या, क्या हुआ? तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी क्या? मैंने तो इंतजार किया था, घर वाले ही नहीं माने तो मैं क्या करूं? और ये तुम्हारा पेट इतना फूला हुआ कैसे है? मैं माँ बनने वाली हूँ। और ये बच्चा मेरा और काव्या का है, तो क्या आप काव्या तो मेरे साथ वापस नहीं आ सकती? रजत जी, मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भगवान ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से ना आगे जाने का रास्ता दिख रहा है और ना ही पीछे, और ऐसा लग रहा है जैसे बस मैं जमीन में धंसती ही चली जा रही हूँ। तभी रजत के माता पिता भी वहाँ पे आ जाते हैं। माँ पापा, आप आ गए, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए माँ जी पापा जी। बेटा, हमने तो तेरी शादी ये सोच कर कराई थी कि तू जीवन में आगे बढ़ जाएगी तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन तू अब वापस आ जा। अरे ऐसे कैसे, जब आपने चाहा हमारी बहू पीछे चले जाए, जब चाहा आगे बढ़ जाए, और मेरी बेटी की भी तो जिंदगी है कि बस तुम और तुम्हारा बेटा ही है। नहीं, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी, अब तो वो मुझे पोता भी देने वाली है। इस तरह दोनों समधन आपस में लड़ने लगती है, और ये देखकर अचानक से काव्या का बीपी हाई हो जाता है, और उसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। काव्या, काव्या! इस तरह दोनों काव्या को गोद में उठाने के लिए दौड़ते हैं। तभी, सॉरी, तुम उठा लो। नहीं, पहला हक तुम्हारा है, भले ही मेरी बीवी है तो क्या हुआ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम इसे लेकर जल्दी से आओ। फिर मंजीत गाड़ी निकालता है और रजत काव्या को गोद में उठाकर गाड़ी तक ले जाता है। फिर दोनों जल्दी से काव्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां काव्या एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। मुबारक हो, अरे बेटी हुई है। ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं, लेकिन काव्या की दूसरी वाली सास उससे ना खुश थी। अब तो बेटी हो गई है, अब तो इस कलमूही को मेरे बेटे को छोड़कर जाने का बहाना मिल गया है, इस घर का वंश आया होता शायद रुक भी जाती। कैसी बात करती हो माँ, ऐसे मौके पर तो खुश होना चाहिए, सब कुदरत का खेल है, हम तो बस मोहरे हैं। अपनी माँ को मत सिखा, मुझे पता है ये भगवान से यही मांग रही थी कि बेटी हो जाए ताकि ये वापस चली जाए। वहीं काव्या की डिलीवरी अच्छे से हो जाती है, कुछ दिनों में वो घर भी आ जाती है, लेकिन अब भी सवाल वही कि वो चुने तो चुने किसको। ऐसे ही एक दिन काव्या घर में बैठी होती है कि रजत उसके दोनों बच्चों को लेके आता है, और दोनों मम्मी मम्मी करके उससे लिपट जाते हैं। वही फिर से नौटंकी शुरू, देख बहू, हम इज्जतदार लोग हैं और इस तरह किसी गैर मर्द को घर में आना शोभा नहीं देता, भले ही तेरा पहला पति है लेकिन अब तो गैर ही है ना, या तो फिर अब फैसला ही कर ले तुझे किसके साथ रहना है, क्योंकि यूँ दो नाव पर तो जिंदगी नहीं गुजर सकती। रजत जी की भी तो कोई गलती नहीं है और मंजीत जी भी बेकसूर है, मैं क्या करूँ भगवान। तभी काव्या के मन में ख्याल आता है, फिर वो अपने दोनों पतियों को बुलाकर उनसे डिस्कस करती है और पूरे घर वालों से कहती है, माँ जी पापा जी, सासू माँ, हमने डिसाइड कर लिया है, हम तीनों साथ रहेंगे और हमारे बच्चे भी, क्योंकि जो भी सिचुएशन है पिस तो हम तीनों ही रहे हैं ना, जब हमारी खुशी एक दूसरे में है तो हम तीनों साथ रहने में ही खुश हैं। वैसे तो मैं इस बात के खिलाफ हूँ, लेकिन द्रौपदी के भी पांच पति थे तो तेरे तो दो ही हैं, जब भगवान ही यही चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं। और इस तरह काव्या अपने दोनों पति और बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है, और वो दोनों भी बड़े ही अंडरस्टैंडिंग थे। रजत गोरेगांव में अपनी बीवी काव्या और माता पिता के साथ रहा करता था। रजत के दो बच्चे थे, मालती और शिवा। रजत की फैमिली काफी खुशहाल मिजाज की थी और सभी बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। मम्मा,
मम्मी मम्मी पापा कब आएंगे, मुझे आइसक्रीम खाने जाना है। पापा आ गए बेटा, आइसक्रीम खाने जाने की तो जरूरत ही नहीं। मुझे आइसक्रीम खाना है, खाना है, खाना है। मुझे भी खाना है। तो इसमें रोने की क्या बात है, मैं लेके आया हूँ और मम्मी आपकी दवा और पापा आपका चश्मा। और मेरे लिए क्या? कमरे में चलो बताता हूँ। धत कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? अरे भरोसा करो बाबा, चलो। तो वही कमरे में जाते हुए रजत काव्या को बाहों में भर लेता है। धत देखा, फिर से मुझे अपने झांसे में फंसा लिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हें गिफ्ट दे रहा था। अब क्या तीसरा जूनियर रजत दे के मानोगे पति देव? पगली कमर तो देखो अपनी, कितनी सोनी लग रही है। तभी काव्या देखती है कि रजत ने उसे बाहों में भरने के बहाने कमर बंद पहनाया है। ये तो बहुत ही सुंदर है जी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको गिफ्ट देने के लिए। अरे कोई ना, उधार रहेगा। ना ना, मैं उधार ही नहीं लेती। ये लो आप मेरी चैन पहन लो। शुक्रिया बीवी साहिबा, ये भी मेरी ही है। चलो अब खाना खा लो। वही खाने के बाद, यार आज का खाना बहुत ही टेस्टी था, ज्यादा खा लिया मैंने तो। एक काम करता हूँ, थोड़ा बाहर टहल कर आ जाता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं काम निपटा लेती हूँ। वही रजत बाहर टहलने चला जाता है, जिसके बाद वो बहुत देर तक लौट कर नहीं आता है। और घर में सभी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही दो दिन बीत जाते हैं, लेकिन रजत की कोई भी खबर नहीं होती। पुलिस भी उसे ढूंढने में जुट जाती है। हमें एक डेड बॉडी मिली है, उस पे ये चेन मिली थी। ये तो रजत को मैंने पहनाया था। ऐसा नहीं हो सकता, रजत जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाहू अब रोने का कोई फायदा नहीं है, वो हमें छोड़कर जा चुका है। इसके बाद पुलिस रजत की बॉडी उसके घर वालों को सौंप देती है, लेकिन डेड बॉडी बहुत ही पुरानी होने के कारण उसमें से बदबू आने लगती है, जिस कारण वो प्लास्टिक में लिपटी थी, और घर वाले वैसे ही उसका अंतिम संस्कार कर देते। ऐसे ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। बहू कब तक तो यूं इस तरह जिंदगी गुजारेगी, मेरी मान, शादी कर ले बेटा। माँ मेरा मन नहीं मानता कि रजत जी मुझे छोड़कर जा चुके हैं, ऐसा लगता है कि वो यही मेरे पास हैं। वो जा चुका है बेटी, अब तू भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा, जिंदगी बहुत लंबी है। इसके बाद सास ससुर के बहुत समझाने के बाद काव्या दूसरी शादी के लिए मन बना लेती है, और उसके ससुराल वाले काव्या की दूसरी शादी करवा देते हैं मंजीत से। वही मंजीत काव्या और उसके बच्चों को हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। और कुछ ही महीनों बाद काव्या प्रेग्नेंट हो जाती है और मंजीत के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। काव्या, अरे काव्या जान, आज रेडी हो जाओ, हम बाहर जाएंगे डिनर पे। जी ठीक है। इसके बाद दोनों डिनर पे जाते हैं, और जैसे ही डिनर के पार्किंग एरिया में जाते हैं, वहाँ काव्या एक शख्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है। उसे देखकर काव्या के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, वो भाग के उसके पास जाती है, उसके गले लग जाती है, और ये सब देखकर मंजीत कुछ भी समझ नहीं पाता है। काव्या ये सब क्या है, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे होते हुए तुम किसी और की बाहों में कैसे हो सकती हो? मंजीत जी ये कोई और नहीं, मेरे रजत जी है। रजत जी आप इतने दिन कहाँ थे? काव्या मैं तो बस इस दुनिया में कहीं खो गया था। उस दिन मैं वॉक पर गया और एक लुटेरे ने मेरी चेन खींचने की कोशिश की, और उसने मेरे सर पे वार किया और चेन लेके वो भाग गया। उस दिन के बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, और जब तुम अभी मेरे गले लगी तो अचानक से मुझे मेरी पिछली जिंदगी का एहसास हुआ कि मैं तो यहाँ वहाँ यूं ही भटक रहा था। और हमें लगा कि आपकी डेथ हो गई है। इसके बाद काव्या सारी बात बताती है, जब उसे डेड बॉडी मिली और आगे क्या हुआ। फिर रजत काव्या और मंजीत तीनों घर आते हैं। अब सब इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रजत आ गया है तो काव्या रजत के पास वापस जाए या फिर मंजीत के साथ रहेगी, और रजत के साथ जाती भी है तो काव्या के पेट में जो बच्चा है वो मंजीत का है। आखिर आगे होगा क्या, वो अपने दोनों पतियों में से किसको चुनेगी?